मनोज जी आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार। नमस्कार, ये सोशलिस्ट पार्टी की जो सत्याग्रह सीरीज चल रही है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना वक्त निकाल के हम लोगों से कुछ चर्चा करने कर आप राजी हुए। तो आज का जो विषय है वो है BSNL का जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, एक तो वह मुद्दा है, साथ ही इसको हम लोग किसान आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें भी पूरे देश को कॉरपोरेट जगत के हवाले करने की जो कोशिश चल रही है उससे जोड़ करके अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यही पता चलता है कि निजीकरण को बढ़ावा देना, वो भी कोविड के समय जिसमें उनको मौका मिल गया है, और इस निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं है, और BSNL को तो बेचने की कोशिश काफी वर्षों से जारी थी और कोविड ने थोड़ा इसको मौका मिला है और सब चीज को बेचने का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचने जा रहे हैं ये, उसके बाद एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, उसके बाद BPCL, तो ये सारे जो पब्लिक जो जिनमें लाखों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन सब का भविष्य अधर में पड़ गया है, और जो जो बेचने की साजिश चल रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि ये नेशनल वेल्थ को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसकी जगह पे ये लोग जमीन को औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं, तो साथ ही मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने की कोशिश हो रही है, उसके ऊपर में जो मजदूर वर्ग है उसको हाशिए पर दरकिनार करते हुए आज की दौर में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। पूरे पैंडेमिक के दौरान करीब 90 मिलियन मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उसमें 17 मिलियन जो थे वो उनकी उनमें औरतों की संख्या है, जो हमारा शिक्षा का हाल है वो पैंडेमिक में सबको पता ही है क्या है, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत ही खत्म ही हो गया। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग थोड़ी एक चर्चा कर सकते हैं जिसमें सरकार के निजीकरण से संबंधित जुड़े हुए जितने फैसले हैं, जो मजदूर विरोधी और जन विरोधी जो फैसले लिए जा रहे हैं, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी जो फैसले लिए जा रहे हैं, उन सब पे आज हम एक चर्चा कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में। और इसमें आपका जो अपना निजी जो अनुभव रहा है वो हम लोगों के साथ अगर आप साझा करें तो जितने भी लोग सुनने वाले हैं हम लोगों को इस समय उनको काफ़ी मदद मिलेगी पूरी चीज़ों को समझने में। तो माइक आपके पास है और आप अपने निजी अनुभवों को जोड़ते हुए जो BSNL को बेचने की साजिश चल रही है उस पर अगर कुछ दो शब्द हम लोगों के साथ साझा करें तो काफ़ी मेहरबानी होगी, और आप माइक अब आपके पास है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मनोज जी। मनोज जी आपकी आवाज जो है वो आ नहीं रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। असल बात है कि ये सरकार चाहती क्या है, हमें अब तो इस देश के लोगों को सोचना होगा। ये सरकार अब जर्मनी के जो हिटलर थे उनकी लग रहा है कि उनकी उनकी प्रेरणा पर सरकार चल रहा है, मैंने हिटलर हिटलर सा ही चल रहा है इस देश में, मैंने हम जो चाहें वही करूंगा, मैं जो चाहूं वही करूंगा, उन लोगों ने सोच लिया। जहां तक बात है कि अब इस देश में गरीबों का और मजदूरों का क्या होगा, कौन सोचेगा, क्या इस देश में अब मजदूर और किसान क्या नहीं रह पाएंगे, क्या उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं हो पाएगी, वो अपना हक के लिए नहीं लड़ सकते। आज भारत में एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है हमारे देश में, मान लीजिए आपको किस जैसे मेरे मैं BSNL का एम्प्लॉई, एक ठेका श्रमिक,
अब तक हमारे 44 साथियों ने सुसाइड कर लिया। विगत एक डेढ़ वर्षों से हम लोग को कोई सैलरी प्रदान नहीं किया जा रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हमने बहुत सारे चैनलों के मार्फत से, पश्चिम बंगाल में मैं रहने वाला हूं, एक कलकत्ता टेलीफोन्स की बात आपको बताता हूं, यहां पर विदाउट किसी नोटिस के इनलीगली तौर पर मैंने हम लोगों को काम से निकाल दिया गया 1 जुलाई 2019 से। उसके बाद 15-16 महीना से कोई वेतन नहीं दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश का सब कुछ बेच देंगे? एक प्राइवेटाइजेशन एक बहाना है और अंबानी और अडानी को लाना है। प्राइवेटाइजेशन एक बहाना है। आप सोच लीजिए, जो जिए जिस जियो की परिसेवा इतनी अच्छी चल रही है, उनका भी टावर बीएसएनएल के मार्फत से चल रहा है। एयरटेल हो, वोडाफोन हो, चाहे जो भी थे, जितने सारे, आज हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, हम लोग की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमने प्रधानमंत्री से लेकर देश के माननीय टेलीफोन मंत्री, प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों को हम लोगों ने बोला कि आखिर हमसे क्या भूल हुई कि जिसकी सजा हमको मिली। आपने बीएसएनएल के परमानेंट स्टाफों को, करीब 78,000 लोगों को अपने वीआरएस दे दिया। तो वीआरएस दे दिया, उनको एक मोटी रकम भी दे दिया आपने। मोटी रकम देने के बाद उन्होंने, वो यहां से हंसी खुशी चले गए। लेकिन हम जो ठेका श्रमिक, जो 25 वर्षों से हम लोग करीब कलकत्ता टेलीफोन्स में 4,600 और सारे भारत की बात बताऊं तो 80,000 लोग, आखिर हम 80,000 लोगों ने क्या गुनाह किया कि हम लोगों को काम से निकाल दिया गया और डेढ़ वर्षों से कोई वेतन तक नहीं दिया गया? क्या यही गुनाह है हम लोगों का? इस देश में अब ये देश किस तरह से चलेगा? आज आप देखेंगे कि भारत के चारों बॉर्डरों पर किसान चारों बॉर्डरों पर किसान करीब सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहानपुर बॉर्डर पर अपनी डिमांड के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार की कानों तक जू तक नहीं रेंगती। लेकिन पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक किसानों का आंदोलन एक पवित्र आंदोलन है। तो भाई, यदि आंदोलन आपके नजर से यदि पवित्र आंदोलन है तो आंदोलन करने वाले अपवित्र कैसे हो सकते हैं? आंदोलन करने वाले खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भारत के संपूर्ण देशवासियों को सोचना होगा कि इस देश में अब इस केंद्र की सरकार के विरुद्ध में जो भी मजदूर हो या किसान हो, अगर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेगा तो उसको देशद्रोही कहकर पुकारा जाएगा। आज जब इनकी प्रथम बार सरकार आई थी, इस केंद्र सरकार की, मोदी जी की, तो इन्होंने कहा कि अच्छे दिन भारत में आएंगे। और मीडिया में मैं भी सुनता हूं, लोगों को कहा जाता है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए, ना 15 लाख आपका रुपया चाहिए, ना नौकरी चाहिए। लेकिन हमारी जो नौकरी है, कम से कम उसको तो ना छीना जाए।
उसको तो ना छीना जाए। क्या इसी दिन के लिए हमने इस डिपार्टमेंट को 25 वर्षों तक शरण दिया? आज आप जो BSNL भारत की सबसे प्राचीन कंपनी थी, जिसकी परिसेवा भारत की सबसे प्राचीन दूरसंचार कंपनियों में गिनी जाती है, आज वही BSNL आखिर इसको रुग्ण करके प्राइवेट एजेंसियों को देने की जो चेष्टा चल रही है प्राइवेट एजेंसियों को जो देने की जो चेष्टा चल रही है, विशेष करके क्या और पार्लियामेंट में रविशंकर जी कहते हैं, माननीय टेलीफोन मंत्री जी, कि हम BSNL को बचाना चाहते हैं। अब क्या बचाना चाहते हैं? मैंने खुद रविशंकर प्रसाद जी को कि हम लोग 15 महीना से वेतन नहीं पा रहे हैं, हमारे 44 साथी, अब तक मैं आज जो बोल रहा हूं, अब तक 44 लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो आप लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं, इस बात को पूरे तथ्य के साथ प्रमाणित करना चाहता हूं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, परंतु लोगों का रोजगार छीन रहा है, लोग बेकार हो रहे हैं। आज BSNL की बात आपको मैं बताऊं, मैं एक छोटी सी अपनी पंक्ति से इस बात को बता दूं कि BSNL के मजदूरों की और ठेका श्रमिकों की गाथा सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। BSNL के ठेका श्रमिकों की गाथा सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। न जाने कहां खो गई इंसानियत इस केंद्र की सरकार की, जिसको ढूंढने में जमाने लगेंगे। और दूसरी बात रही, नौकरी से तो बैठा दिया गया। सबसे बड़ी बात लोग बोलते हैं कि हमने आयुष्मान भारत लाया, हमें आपकी आयुष्मान भारत की परिसेवा नहीं चाहिए। हमारा जो ESI की जो मेडिकल फैसिलिटी थी, जो सुविधाएं थी, आज अगर ESI की मतलब मेडिकल फैसिलिटीज होती तो आज हमारे 44 साथी चिकित्सा के अभाव में डिप्रेशन में आकर का शिकार होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। ESI जो मेडिकल सुविधाओं आपने बंद कर दिया, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि आयुष्मान भारत ला रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ तो लोगों का रोजगार छीन रहा है, कैसे कहूं कि रोजगार मिल रहा है? आप खुद देखेंगे अंकित भाई कि मैं एक बार आपके सेशन में आया था, मैं जिस ट्रेन से आना जाना करता था वो ट्रेन पूरे लोगों से खचाखच भरी हुई रहती थी। आज वही ट्रेन में मैं जब चलता हूं तो आंखों से आंसू झलकते हैं कि आखिर लोगों ने क्या गुनाह किया। हाँ, लोगों ने गुनाह तो जरूर किया कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। भारत के लोगों ने यही एक बहुत बड़ा गुनाह किया है कि इन पर विश्वास करके, इनके झांसे में आकर, इनके बहकावे में आकर, इनके इमोशनली लोगों को इमोशनली करके इन्होंने लोगों से वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद पूरे देश को सर्वनाश करने की ओर ले जा रहे हैं। आज चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BSNL हो, अब सोचिए आप सब बैंकों का निजीकरण, कोरोना काल में लोग खाने को मर रहे हैं, लोगों को खाने तक का नहीं था, लेकिन कुछ लोग इसी कोरोना काल में विश्व के दूसरे नंबर तीसरे नंबर पूंजीपतियों के कगार पर आ गए। आखिर कैसे? क्या वो तो बात रही। BSNL मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, कलकत्ता का CGM विश्वजीत पाल, वो किसी भी तरह से इस BSNL को, कलकत्ता टेलीफोन्स को ही यहाँ से फेस करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट यहाँ पर रहे।
मैं चाहता हूं केंद्र सरकार से वो नीति स्पष्ट करे कि भारत अब किस ढंग से चलेगा, देश अब किस ढंग से चलेगा, जिस हम जो मजदूरों के वोट से आप वोट से जीत कर आप जो आते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या इस बात का उनको अंदाजा है जिस पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, जिस संसद में वो बैठते हैं उसको भी मजदूरों ने ही बनाया है। तो जिस देश का अगर अंकित भाई मजदूर और किसान ही अगर शोषित हो, खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो, रोटी कपड़ा के लिए तरसता हो, तो वो देश क्या आगे बढ़ सकता है? और कुछ? हाँ, तो बहुत ही आपने खूबसूरती से अपने सारे समस्याओं को पेश किया है। हम लोग इस पे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जो करोड़पति और अरबपति जो देश के हैं, तो कोरोना काल में उनकी संपत्ति काफी बढ़ गई। यहाँ पे कुछ डेटा को मैं साझा करता हूँ। 35% के की वृद्धि हुई है अरबपतियों के संपत्ति में। अंबानी जिनकी संपत्ति करीब $37 बिलियन US डॉलर थी, वो पहुंच गई है, वो दुगनी हो गई, दुगनी से भी ज्यादा, और ये $78 बिलियन के आसपास पहुंच गई। जो अदानी है उनकी संपत्ति कोरोना काल के पहले थी $9 बिलियन, आज की तारीख में उनकी संपत्ति हो गई है $28 बिलियन। इसी यही हाल बाकी सारे अरबपतियों का है, सभी ने जो है अपनी संपत्ति बढ़ाई है। और जहां तक हाशिए पर रहने वाले मजदूर किसानों का सवाल है, उनकी संपत्ति तो क्या, वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो संपत्ति उनकी बढ़ी है वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो निवेश कर रहे हैं। उनकी संपत्ति बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक प्राइसेस का ज्यादा हो जाना है, और उन्होंने यह किया है बहुत सारे मजदूरों को अपने कंपनियों से निकाल के, उन्होंने काफी वेतन में भी कटौती की है, और अपनी कंपनी को एक फ्रेज होता है, एक मुहावरा होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं लीन एंड थिन करना, तो यही काम उन्होंने अपनी कंपनियों में किया है। वो किसी भी संकट के समय, आर्थिक संकट के समय, ये पूंजीपतियों की जो है एक सोची समझी रणनीति होती है कि किस तरीके से किसी भी संकट का फायदा उठाया जाए, और उसमें बहुत सारे मजदूर जिनको वो लगता है कि वो पहले नहीं निकाल सकते थे, वो संकट के समय वो सारे मजदूर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन जो BSNL को निजीकरण की का मसला है, या फिर एयर इंडिया के निजीकरण का मसला है, भारतीय रेल का जो निजीकरण का सवाल है, इन सारे सवालों पर सरकार की नियति पहले से ही स्पष्ट थी। तो जो सवाल आप अभी सरकार से कर रहे हैं कि आपने वायदा कुछ और किया था, तो मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है कि वायदा तो उन्होंने शुरू में यही किया था कि हम जो है गवर्नमेंट, मोदी जी कहते हैं कि सरकार जो है वो बिजनेस करने के लिए नहीं है, सरकार जो है, सरकार का सिर्फ एक ही बिजनेस है, बिजनेस नहीं करना, ये वो 2014 से बोलते आ रहे हैं। तो इसमें कोई नई चीज उन्होंने नहीं की है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अभी कोविड का फायदा उठाते हुए वो निर्मला सीतारमण जी ने भी राष्ट्रीय बजट जब पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जो विनिवेश की जो प्रक्रिया है, जो निजीकरण की जो प्रक्रिया है, वो सतत चलती रहेगी, और 1,75,000 करोड़ रुपए वो निजीकरण से उठाएंगे, उसमें से 75,000 करोड़ रुपए जो है वो कंपनियों को सीधे बेच करके, जैसे कि BPCL, एयर इंडिया, इन सब को बेच करके, और 1,00,000 करोड़ रुपए वो बैंकों के निजीकरण से उठाएंगे। तो ये तो सरकार की नीति पहले से ही स्पष्ट थी, और उन्होंने इस नीति को आगे जारी भी रखा है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो लोगों ने वोट किया उनको तो पहले ही पता था कि उनकी आर्थिक नीति क्या है, तो इन्होंने वोट मेरे हिसाब से राम मंदिर और इन्हीं जो फांसीवाद के नारे हैं, शायद
उन्हीं पे सम्मोहित होकर के उन्होंने इसको वोट किया है और अब वो पछता रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? अंकित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुद्दा उठाया है। असल बात है कि देश की जनता भोली भाली जनता है, क्योंकि शुरू से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। बीजेपी की एक पॉलिसी है कि इलेक्शन जीतने के लिए एक किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैं अपने राज्य की ही बात बताऊं, जिस राज्य में मैं रहता हूं, पश्चिम बंगाल में, यहां पर बीजेपी की सारी मशीनरी, जितने उनके सांसद हैं, मंत्री हैं, सब लोग बंगाल में आज उतर गए हैं। आखिर क्यों? मेरे कहने का मतलब है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इसलिए यहाँ की जो पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनका उनकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि जिस तरह से इन लोगों ने बीएसएनएल के सारे 4,600 ठीका श्रमिकों को काम से निकाल दिया, अगर ये ममता जी का राशन नहीं होता, स्वास्थ्य साथी कार्ड की परिसेवा नहीं होती, तो 44 के जगह 400 लोग अब तक मर गए होते। तो आज जो गरीबों के लिए लड़ती है, आज उनको घेरने के लिए कि कोई भी मोदी जी के विरुद्ध में भारतवर्ष में आवाज ना उठा सके, इसलिए आज ममता जी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश की जनता एक बार जो भूल कर चुकी है, अब दोबारा देश की जनता नहीं करेगी। अंकित भाई, आपको याद होगा पिछले दिनों जब दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए बीजेपी की सारी मिशनरी चली गई वहां पर, केंद्र के सारे मंत्री जो गरीबों की कोई बात नहीं सुनते, लेकिन इलेक्शन के समय में चाहे अपना सब काम काज छोड़कर वो इलेक्शन में चले जाते हैं। तो दिल्ली में उन्होंने क्या हुआ, जब दिल्ली में वो गए तो दिल्ली में ऐसा हुआ कि दिल्ली में जब वो सातों सीट पा गए थे तो सोचते थे कि अब पूरी दिल्ली हमारी हो गई, मैं पूरी दिल्ली को जीत लूंगा। लेकिन मैं दिल्ली वासियों को, दिल्ली के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनका असली चेहरा समझ लिया कि ये इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए वहां के दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी पर पूर्ण आस्था रखते हुए उनको फिर एक बार मौका दिया और वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफा हो गया। आज ठीक उसी ढंग की परिस्थिति, मैंने कहा ना कि आज 44 लोग जो मारे गए हैं, अगर ममता जी का राशन ना होता, स्वास्थ्य साथी कार्ड ना होता, तो बीएसएनएल के 4,600 कर्मियों में से 400 लोग अब तक मर गए होते। उन्होंने बहुत ज्यादा संभाला है, लेकिन उन्होंने हम लोगों के चलते, हम तो मजदूर हैं, जिस तरह से किसानों की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती, किसानों की क्या डिमांड है कि आप काला कानून वापस लो, तीनों बिल वापस लो, नहीं ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने किसानों के लिए अच्छा बिल लाया है, तो आखिर किसान रास्ते पर क्यों? जब आप बीएसएनएल को बेचना नहीं चाहते, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो आज बीएसएनएल के 80,000 लोग नौकरी से क्यों निकाल दिए गए? यही हाल आपको भारतवर्ष के जितने पीएसयू कंपनियां हैं, सबको आस्ते आस्ते कर भारत से बेच दिया जाएगा, और आने वाले समय में एक गरीबों का देश नहीं रहेगा। मैं आपने जो एक अच्छी बात और कही कि बीएसएनएल बीजेपी वाले इलेक्शन के समय में राम मंदिर की बातें करते हैं, मैं कहता हूं मैं भी तो एक हिंदू हूं, मेरा नाम मनोज ठाकुर है, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूं, भगवान राम की आराधना करता हूं, माँ सीता की पूजा करता हूं, माँ काली की पूजा करता हूं,
तो क्या मैं मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन इसका कोई राजनीतिक जो फायदा वो लोग उठाते हैं लोगों को बरगलाकर कि मंदिर वहीं बनाना होगा। आज पहले आपने कहा ये तो बहुत दिनों से मंदिर का मुद्दा चल रहा था, तो आज आखिर इलेक्शन के समय में आपको इस चीज का याद क्यों पड़ता है? कभी आपने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, देश में विकास हो रहा है। अरे आपको पहले आज सोचना चाहिए कि कोई भी देश अगर भगवान रामचंद्र जी की आप जो बातें करते हैं बीजेपी वाले, उनकी राज्य की प्रजा कितनी सुखी थी। मैंने मान लिया कि आप उनके उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो हम लोग भी करते हैं, वो भी हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनको भी मानता हूं आप ही की तरह, लेकिन उनकी उनकी प्रजा तो काफी सुखी थी और उनके अनुयायी आप हैं, अनुयायी आप हैं, तो आपकी राज्य आपकी शासन काल में मजदूरों की और किसानों की ऐसी दयनीय अवस्था क्यों? और देश के लोग अब समझ चुके हैं कि अब इस देश में कौन किसके लिए क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। इलेक्शन में जीतने के पहले बात एक, इलेक्शन में जीतने के पहले इन्होंने एक वादा किया था कि काला धन को वापस लाऊंगा, प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपया भेज दूंगा। मैं आपसे एक बीएसएनएल के कर्मचारी होने के नाते, एक मजदूर होने के नाते, एक किसान का लड़का होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि आप, हम आपसे कोई खैरात नहीं मांगना चाहते। हमने इस डिपार्टमेंट को बीएसएनएल को अपना शरण दिया है, हम उसका हक मांगते हैं और हक मांगना ये हमारा नैतिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये भारत सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है, एक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, बापू का देश है, नेताजी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, सरदार आजम भगत सिंह का देश है, राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, तात्या टोपे का देश है, मंगल पांडे का देश है। हमारे देश की गरिमा को आज विश्व प्रसिद्ध भारत को कहा जाता है। उस भारत में आज मजदूरों की ऐसी अवस्था, आज जो किसान आंदोलन पर जो बैठे हुए हैं, कितने तरह से प्रोटेस्ट हुआ, लोग बाहर बाहर से भी लोग बोलते हैं, मजदूर वहां पर जा रहे हैं, किसान भाई पूरे समग्र देश से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर किस कारण से किसानों को जो उनका उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? क्या सरकार केवल पूंजीपतियों के सारे पर चलेगी? सरकार को आज सोचना चाहिए कि हमने मनोज जी आपको अनम्यूट करना होगा, आपने शायद गलती से म्यूट कर लिया अपने आप को। मनोज जी एक सवाल मेरा यह भी है आपसे कि जो 4600 मजदूरों की जो आप बात कर रहे हैं, ठेका मजदूरों की,
कलकत्ता के कार्यालय में, उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कि नहीं हैं, और मजदूरों के बीच में जो कुछ एकता है इस बात पर कि हम लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, मिलकर लड़ेंगे, या फिर उनमें भी बिखराव की स्थिति है? ना, मैं एक बात आपको बता दूं, आपने काफी अच्छा प्रश्न किया है। आज की तारीख में किसी भी संस्था में बहुत सारी यूनियनें चलती हैं, लेकिन आज हम सबों ने मिलकर एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है बीएसएनएल बचाव कमेटी। हमने ये नहीं कहा कि ठेका श्रमिक बचाव कमेटी, मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। जी मनोज जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप हम लोगों को सुन पा रहे हैं आप अपने वीडियो को बंद करके ही बोले। म्यूट म्यूट कर। हेलो, जी हाँ जी हाँ, आप आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे। अच्छा, तो आप वो बीएसएनएल बचाओ कमेटी के मुद्दे पे कुछ बोल रहे थे। हेलो मनोज जी, आपको अपना माइक जो है वो खोलना पड़ेगा, अभी वो बंद पड़ा है। माइक खोलना पड़ेगा? हाँ मनोज जी, हाँ अभी ठीक है तो। हाँ, कुछ अभी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है उनका, हो सकता है कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमित जी, अभी आपने जो एक प्रश्न किया था मनोज जी से, जी हाँ जी हाँ, सरकार जो है ये ठीक जैसा इसका वादा था कि हम मतलब अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचेंगे, सरकार बिजनेस नहीं, तो इससे मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि सरकार को मतलब सरकार का क्या, ठीक है बिजनेस ना करे, लेकिन रेलवे का काम या बीएसएनएल का काम शुद्ध व्यवसायिक ही नहीं है। कम से कम रेलवे का जैसा आप देखेंगे तो पूरे देश को जोड़ने का एक तंत्र है, और उसको सिर्फ इस तरीके से देखना कि वो प्रॉफिट मेकिंग वाला कोई काम ही उसका, जैसे कंपनियों का और प्राइवेट कंपनियों का है, तो देखते हैं इन चीजों को। ये तो मतलब अगर इंडिया में रेलवे भी गवर्नमेंट के पास नहीं है तो फिर पूरे देश को जोड़ने का तंत्र क्या पूरी तरीके से प्राइवेट के हाथों में देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस सवाल पे या रेलवे को इस तरीके से इस दृष्टि से देखना कि वो केवल एक बिजनेस करने वाली कंपनी, यही गलत है जी। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है रेलवे में या तो फिर उसको पीएसयूज का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों दिया जा रहा है? वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें और फिर वो कंपटीशन में आए जी। तो मेन चीज वो बिजनेस नहीं है, ठीक है गवर्नमेंट गवर्नमेंट का सेक्टर तो तभी बिजनेस करेगा जब आप प्राइवेट सेक्टर उसके साथ फिर फेयर कंपटीशन में आए ना। पहले जैसे जैसे कोई चीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है रेलवे का, रेलवे में इतना डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारा काम उसका R&D करता है, तो क्या जो प्राइवेट कंपनी आ रही हैं वो अपना R&D खोलें, अपनी लाइनें बिछाएं, फिर वो बिजनेस में कंपटीशन दें रेलवे को? उनको तो हर चीज पका पकाया मिल रहा है ना जी। ये, हाँ, ये जी हाँ जी हाँ, तो आपके सवाल को हम उनसे भी पूछेंगे। समय नहीं होगा, जैसे ही ये बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी वो तुरंत, ये तो पूरा एक सिस्टम रहा है प्राइवेट्स का कि वो जब यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा किसी समय अगर आगे चल के,
तो वो कह देंगे हाथ खड़े कर देंगे और अपने लोन तक लोन का ये सब गवर्नमेंट से ही उठाते हैं वो, मतलब वो पब्लिक का ही पैसा लगाते हैं उसमें। और जी, जी। क्या गारंटी होगी कि कल को रिलायंस जो है वो क्या हर विलेज हर रिमोट एरिया तक इंडिया के सर्विसेज देगा? क्योंकि बीएसएनएल अगर का बीएसएनएल तो बहुत ही रिमोट प्लेसेस तक भी अपनी सर्विस देता है, जहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ऐसा उसको प्रॉफिट मिलता होगा। या जैसे पोस्ट ऑफिसेज हैं वो तो गांव-गांव खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो बहुत रिमोट एरिया में खुले हुए हैं जहाँ शायद 10-5 बच्चे ही पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें केवल प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलाई जाती ना, वहाँ तो सर्विस दे रही हैं देश को। जी जी, तो इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ी अंतिम समय में, आपके सवालों को भी लेंगे। अभी फिलहाल मनोज ठाकुर जी से सुनते हैं कि वो बीएसएनएल के मजदूरों में एक यूनियन वो लोग बना पाए हैं, उसके विषय पर थोड़ा चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली वो चले गए हैं तो वो फिर से लौटेंगे तो उनसे यही सवाल। मनोज जी, आप कुछ बोल रहे थे, उसके बाद प्रवीण जी का एक सवाल है कि सरकार का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, सरकार की अपनी जनता के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, उसका उनको निर्वहन करना चाहिए और निजीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल भी हम आपसे करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक विषय पे बोल रहे थे जो विषय बीच में अधूरी छूट गई, जिसमें आप ये बोल रहे थे कि 4600 मजदूर जो कलकत्ता ऑफिस में काम कर रहे हैं उनमें ऑलरेडी उन्होंने एक संगठन बना दिया है बीएसएनएल बचाओ कमेटी के नाम से, उसके बारे में आप कुछ हम लोगों को बता रहे थे और आप उस बात को जारी रखें। हाँ मनोज जी, मनोज जी आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हाँ, आवाज थोड़ी थोड़ी कट कर आ रही है। हाँ वो कनेक्शन थोड़ा कमजोर है क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ना यहाँ, तो अंबानी और अदानी के जो लोग काम कर रहे हैं तो उनसे तो काम होता नहीं है ठीक से। हाँ तो आप बता रहे थे कि बचाओ ये बीएसएनएल बचाओ कमेटी के नाम से आपने कुछ बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। अच्छा, उनकी लाइन काफी खराब आ रही है। तो जो प्रश्न है जो प्रवीण जी ने पूछा था कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, उस पर थोड़ा सा मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, हम लोगों को पूंजी का मतलब समझना होगा, क्योंकि जो सारा जो खेल चल रहा है वो पूंजी की बढ़ोतरी के लिए चल रहा है। तो पूंजी जो है वो दरअसल उसका 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 जो काम ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और धीरे धीरे कुछ ही लोगों के हाथ में एकत्रित हो जाना। तो ये पूंजी की अपनी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी हिसाब से वो चलती है। तो पूंजी को थोड़ा समझने की जरूरत है। हम सारे जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं किसी न किसी रूप से, वो पूंजी के स्वरूप को बिना पहचाने हम लोग लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये लड़ाई जो है इसमें आप सरकार से नैतिक मूल्यों पर आप कुछ भी मांगे रख सकते हैं, लेकिन एक समझदारी यह भी बढ़ानी पड़ेगी हम मजदूर और किसान भाइयों को कि पूंजी का अपना मूल होता है। ये सारी जो नीतियां हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थोप रहा है, वो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जितनी भी तमाम दुनिया भर के पूंजीपति पूंजीवाद को बढ़ाने में जितने भी संस्थान आगे बढ़कर के हिस्सा ले रही हैं, वो सारे लोग इन नीतियों को थोप रहे हैं भारत पे। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि हमारा देश आज भी गुलाम है, क्योंकि गुलामी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें, गुलामी का मतलब ये भी होता है कि आप अपने लिए नीतियां नहीं बनाएं, जबकि नीतियां उन लोगों के लिए बनाएं जिनके पास और भी पूंजी है। जैसे कि अमेजोन का आप उदाहरण देख लीजिए, फ्लिपकार्ट का उदाहरण देख लीजिए, आप जो है वो वोडाफोन जो है वो अभी टेलीफोन मार्केट में है, इसमें सारा जो पैसा आ रहा है वो विदेशी पैसा आ रहा है, विदेशी पूंजी आ रही है।
तकनीक के मामले में हम अभी भी काफी पीछे हैं। हमारे यहाँ IITSE काफी संस्थाने हैं लेकिन वो अभी भी तकनीक के मामले में पूरे देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सके हैं। तो तकनीक के लिए हम अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पे और विदेशी कंपनियों पे निर्भर हैं और वही लोग कंट्रोल करते हैं, वही लोग नीतियां बनाने के लिए सरकार को बाध्य करती है और ये सरकार जो है वो उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाती है। तो जो बड़े पूंजीपति हमारे देश के हैं और जो दुनिया भर के तमाम बड़े पूंजीपति हैं वो उनके कंट्रोल में हमारे बड़े पूंजीपति हैं और उन्हीं के इन सारे लोगों की मिलीभगत से ही ये सारी नीतियां लाई जा रही हैं। तो हम लोगों को थोड़ी इस बात की समझने की जरूरत है। मनोज जी हम लोगों के साथ फिर से जुड़ गए हैं। तो मनोज जी आप कुछ बोल रहे थे BSNL बचाओ कमेटी के मुद्दे पे, उसके बारे में आप अपनी बात। हाँ मनोज जी हेलो। जी हाँ जी हाँ, आप अपने यूनियन के बारे में बता रहे थे। हाँ बता रहे थे कि हम लोगों ने एक हमारे हमारे सभी साथियों ने हम लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हमने बीएसएनएल बचाओ कमेटी। हमने केवल एकमात्र बीएसएनएल ठेका श्रमिकों के लिए नहीं आंदोलन किया, हमारी आंदोलन है बीएसएनएल बचेगा तब भी हम भी बचेंगे। आज बीएसएनएल यदि बचता है तो भारत की जितने जो ग्राहक हैं जो किसी जमाने में गर्व करते थे कि मेरे घर में बीएसएनएल का कनेक्शन है, आज परिस्थिति कुछ अलग पलटी हुई है, बदली हुई है। हम लोग चाहते हैं तो हम लोगों ने 4,650 लोग आज हम लोग इकट्ठे हैं। हम लोगों ने बीएसएनएल बचाओ कमेटी के मार्फत से पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी को मेमोरेंडम दिया और आपको रविशंकर जी को मेमोरेंडम दिया, मैंने भारतवर्ष के सभी सारे लोगों को हमने दिया लेकिन हमारी कोई हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या हमने यही गुनाह किया इस देश में? हमने बीएसएनएल को इतना अच्छा सेवा दिया, हमने बीएसएनएल को इतना अच्छा परिसेवा दिया। हेलो हाँ हाँ आप अपनी बात को जारी रखें। आपका माइक बंद पड़ा हुआ है मनोज जी, आप उसको खोल करके अपनी बात जारी रखें। हेलो जी हाँ जी जी आप हम लोग सुन रहे हैं, आप बताइए। हेलो जी जी आप बोलिए आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इस आंदोलन में 29 सितंबर को हमने कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस किया, मैंने कन्वेंशन किया, इसमें हमने भारतवर्ष की मशहूर समाज सेवी नर्मदा आंदोलन बचाओ की नेत्री माननीय मेधा पाटेकर जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने बीएसएनएल के ठिका श्रमिकों की अवस्था उनको देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने हमारे तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया। तो मैं
मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रवीण जी जब तक मनोज जी नहीं बोल रहे हैं तब तक आप अपनी बात जो सवाल पूछ रहे थे आप उसको थोड़ा पूछ सकते हैं और इस चर्चा को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जब तक कि। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जो आप कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूँ कि ये केवल नरेंद्र मोदी की सरकार की ही बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो कितने भी मॉनेटरीज ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड में वो पीछे उनके हाथ जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का ये है, तो रिलायंस वगैरह तो वो कहीं भी नहीं धरती बड़े बड़े पूंजीपति हैं और उनको इंडिया में ऐसा लग रहा है कि शायद काफी पोटेंशियल है, इस वजह से ये जो कृषि कानून है ये भी इनको भी उसी नजरिए से अगर देखा जाए या देखना ही चाहिए तो वो उसमें पैसा लगाने के लिए वो इस तरीके की पॉलिसीज बना रहे हैं। लेकिन ये भी दुनिया भर में अनुभव रहा है कि केवल पूंजीपति व्यवस्था बहुत सस्टेनेबल नहीं है, मतलब आप देखें रिसेशन का लंबे लंबे दौर आए हैं अमेरिका और यूरोप में, तो ये व्यवस्था इस पर भी एक मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट और अब जिस तरीके से इसका दुष्प्रभाव पर्यावरणीय रूप से पड़ रहा है, धरती का पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, क्योंकि इन कंपनियों को तो केवल अपना लाभ ही कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब पूंजी ही उनका अल्टीमेट मतलब क्या कहना चाहिए गोल है, तो वो तो अदर फैक्टर्स नहीं देखते ना, उनके हिसाब से तो जितना दोहन हो सकता है धरती का उतना दोहन कर लिया जाए, समाज का जितना दोहन हो सकता है उतना दोहन कर लिया जाए। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है या दुनिया में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनको भी वो इस बात को कह भी रहे हैं कि पूंजी वाली व्यवस्था जो है वो बहुत सस्टेनेबल नहीं हो सकती और दुनिया को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पूंजीवादी व्यवस्था एकदम ही सस्टेनेबल नहीं है। जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है इस मुद्दे पे तो जो मतलब पूंजीवाद के घोर समर्थक भी कई लोग हैं वो भी मानते हैं कि ये पूंजीवाद, उनको डर है कि शायद वो इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है जलवायु परिवर्तन का जो सवाल है, जिसमें जो संसाधनों का दोहन की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि पूरी दुनिया में आज की स्थिति में ये है कि कंपनीज वहाँ पर मूव कर रही हैं, वहाँ पर जा रही हैं जहाँ पर श्रम जो है सस्ता है, जहाँ पे लेबर जो है बहुत ही चीप है वहाँ पे सारी कंपनी जाती हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप देख लें कि जो कार की कंपनियाँ थी अमेरिका में पहले बहुत सारी, वो धीरे धीरे चली गई हैं चीन में, भारत में भी आ गई हैं, मेक्सिको में चली गई हैं, वियतनाम में चली गई हैं। उसका कारण ये है कि कार की कंपनियाँ जो थी वो उनको लगा कि अगर वो चीन भारत इन सारे मजदूरों का शोषण करेंगी, उनको कम पैसे में ही उनसे वही काम देगी जो काम वो अमेरिका के मजदूरों से ले रही थी, वहां तो उनको $40 प्रति घंटा के हिसाब से देना पड़ता था, भारत में मजदूरों को वो 300-400 रुपया एक दिन में देते हैं। तो यहाँ पे भयंकर शोषण होता है जिसको हम लोग बहुत ही मतलब एक्सट्रीम जो एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण से बहुत मुनाफा कमाते हैं। तो जो दुनिया भर में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है उसमें अभी संकट का दौर चल रहा है, सारी जैसा कि आपने खुद कहा बैंक्स जो सारे फेल कर गए थे 2008 के क्राइसिस में, उसके बाद से उस क्राइसिस से अभी तक उभरे नहीं है, उसके बाद फिर ये कोविड के कारण और भी बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई, जब काम ही नहीं, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, किसी चीज़ का उत्पादन ही नहीं होगा तो मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो इन लोगों ने मुनाफा कमाने का एक और जरिया ढूंढा कि जितने भी मजदूर हैं, जो मजदूरों की छटनी की जा सकती है जहाँ पे भी वहाँ पे छटनी कर दो, और जितने भी जो इसमें क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वही हो रहा है, वो अब जो मुनाफा है वो उनको अपने देशों में नहीं मिल रहा है तो वो पूंजी को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका अंबानी का जो अभी हुआ है समझौता इसके साथ गूगल के साथ, और जो वालमार्ट ने खरीदा है फ्लिपकार्ट को, जो रिटेल सेक्टर में इतना ज़्यादा जो पूंजी का निवेश हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जब कृषि कानून आ जाएंगे
तो जो खाद्य सामग्री से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनको उनको मतलब भंडारण का जितना भंडारण कर सकते हैं उनका उन पर कोई रोक ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, और बड़ी बड़ी जो एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं वो अगर आती हैं इंडियन मार्केट में, तो इंडिया में जो छोटे किसान हैं और जो मजदूर वर्ग है वो तो शोषित है ही, और छोटे किसानों की ज़मीन को भी वो लोग हड़पना चाहते हैं, और छोटे किसान जो लोग उपजा रहे हैं उसको वो रिटेल मार्केट के थ्रू ग्लोबल मार्केट दुनिया में भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लाभ है वो अंतिम जो उसकी परिणति है वो श्रम से ही होती है, और श्रम जो है हमारे देश में बहुत ही सस्ता है, जितनी भी किसी दुनिया के मुल्क हैं उन सारे देशों में श्रम बहुत ही सस्ता है, और इन्हीं जो देशों का इन्हीं देशों में जो कानून बने हुए थे अपने एंटी कॉलोनियल जो विरोध हुआ था हमारी जो आज़ादी की लड़ाइयों के बाद, जो एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि अर्ध समाजवादी व्यवस्था जो थी उस व्यवस्था को तोड़ते हुए उसको दरकिनार करते हुए सारी नीतियां जो हैं थोपी जा रही हैं, क्योंकि यहीं पे मौका है सारी दुनिया के पूंजी को सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का। जी तो इसमें हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि इसके खिलाफ आंदोलन कैसे खड़ा कर सके। तो किसानों ने तो अपना काम कर दिखाया है, अब यही काम मजदूरों को भी करना होगा। तो आने वाले समय में मजदूरों के लिए भी बात चल रही है कि जो करीब 192 कानून हैं मजदूरों के लिए, उन सारों को जोड़ करके 4 लेबर कोड में इसको तब्दील करने की बात की जा रही है। तो इसके खिलाफ एक कैसे जनव्यापी पूरे देश भर में आंदोलन कैसे चलाया जाए, और एक मजदूर किसान का एक संगठन बड़े देश भर भर में जो अभी संयुक्त मोर्चा चल रही है जिसमें किसान के प्रतिनिधि शामिल हैं, उसको हम लोग मजदूरों तक कैसे ले जाया जाए, ये एक बहुत बड़ी घटना होगी अगर हम इसको कर दिखाते हैं। तो हम लोगों को इस विषय में सोचने की जरूरत है कि जितने जैसे अभी मनोज भाई बता रहे थे कि उनको 4600 मजदूरों की जिंदगी अधर में है, 444 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, और जो है बाकी भी खुदकुशी करने के कगार पे खड़े हुए हैं। तो इन सारे आंदोलनों को जोड़ करके हम ये जो किसान आंदोलन से कुछ सबक लेते हुए, शाहीन बाग जैसे आंदोलनों से सबक लेते हुए, अगर मजदूर और किसानों का एक संयुक्त आंदोलन खड़ा कर सके, तो वही आंदोलन जो है इन सारे जो पूंजी की जो अपनी प्रक्रिया है उस पर लगाम लगा सकती है। और जो फासिस्ट ताकतें हैं मोदी जैसी, जो एक्चुअली में बड़े कंपनियों के एक तरीके से गुलाम हैं और उन्हीं के लिए काम कर रही हैं, उनके लगाम लगाई जा सकती है। वो सिर्फ आंदोलनों की बदौलत ही हो सकता है, और जब तक हम इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जी और कुछ साथियों के कुछ सवाल अगर हो तो हम लोग उसको ले सकते हैं। मनोज जी तो उनके उनकी कनेक्शन थोड़ी लूज कमजोर हो गई, क्योंकि तो वही होगा जब आप मजदूरों को निकाल देंगे तो क्या होगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी भी जो क्षमता है वो घट जाती है, और मतलब हम लोग अभी देख ही रहे हैं, अभी मार्केट में 4G आने वाला है, उसके 5G आने वाला है, उसके पहले ये सब हाल है, कनेक्शन ड्रॉप होते रहते हैं। लोग कहा करते थे कि BSNL का नाम है बड़े साहब नहीं लगेंगे या कुछ बड़े भाई नहीं लगेंगे, तो वो तो कहावत जो है इन सब इन सारी कंपनियों पर ज़्यादा चरितार्थ होती है, क्योंकि इनके तो कनेक्शन ही आज मतलब मैं तो बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ जाने पर मेरा कनेक्शन लगता ही नहीं है। बॉम्बे में थोड़ी हालत ठीक है लेकिन बाकी जगह तो वो भी नहीं लगता। तो हाँ, और भी साथियों के कुछ सवाल हैं, उनकी कुछ राय है, मशवरा है कुछ किसी मुद्दे पे, तो उसको रखें और हम बस मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। इस बात का मतलब एक कुछ क्वेश्चन भी है और आई थिंक कुछ लर्निंग भी है। बेसिकली हम ना मुझे लगता है कहीं ना विलीफाई कर रहे हैं, हम जैसे ना एक स्केटगोट नहीं होता वैसा बनाया जा रहा है, जैसे हम अदानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं कि यही पूंजीपति है, ये सब लूट रहे हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं जब हम लोन लेते हैं, हमारा देश लोन लेता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, किसी भी देश से, तो उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, तो वो पॉलिसीज होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे देश की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे आपने बीच में एक बात कही थी।
तो उसका मेन कहीं ना कहीं जो रीजन है वो ये है कि हमारा देश बाकी जो हमारे वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया उनसे लोन ले रहे हैं। अब लोन क्यों ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं डिटरमिन करने में कि वाई इंडिया, जिसकी मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज है, इंडिया के पास एग्रीकल्चर है, इतनी अच्छी वर्क फोर्स है, इतनी पॉपुलेशन है, तो उसको इंडिया को जरूरत क्यों पड़ रही है किसी कंट्री से, किसी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने के लिए। तो एक तो ये है, और दूसरा अभी जैसे हम देख रहे हैं कि 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, सॉरी 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया था, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद से धीरे 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 अपनी इकोनॉमी खोलने लग गए हैं। एंड अभी जैसे हम LIC की बात कर रहे हैं या रेलवेज की बात कर रहे हैं, तो ये सब भी हम ओपन कर रहे हैं बाहर के प्लेयर्स को एंटर करने के लिए कि वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे देश को पैसे की जरूरत है। एंड और कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है तो हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। तो आई थिंक जब तक हम फैक्टर डिटर्मिन नहीं करेंगे कि हमारे लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, हमें प्रॉफिट कहाँ पे हो है, एंड एक आई थिंक रिस्ट्रक्चर की जरूरत है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सिस्टम को, जब तक वो हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आई थिंक ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। एंड अभी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पर धीरे 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 आई थिंक इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज हो जाएगी इन द फ्यूचर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। और भी कोई साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं? तो अंकित जी की बात से सहमत होता हूं मैं, क्योंकि हाँ, हम लोगों को नई अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कितना लोन लेते हैं और वो किस लिए लोन लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक, हम लोग, एक जमाना था जो 1991 का जो क्राइसिस था, उसमें हम लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। लेकिन आज की दौर में एक्चुअली हम लोग अमेरिका को लोन दे रहे हैं। अगर आप देखें तो करीब $200 बिलियन अमेरिका हम लोगों को देगा, वो करता है, क्योंकि उसका कारण है कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा फॉरेक्स, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो करीब $400 बिलियन से ऊपर जा चुका है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP भी अंग्रेजी में बोलते हैं, वो करीब $3,000 बिलियन या $3 ट्रिलियन के हिसाब से है। तो आप समझ लीजिए कि इतनी जो $400 बिलियन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कैसे बनता है। वो इस तरीके से बनता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो खरीदते हैं और उसमें निवेश करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ से पूंजी के फ्लाइट को रोक सकें। पूंजी का जो यहाँ से जो क्या होता है कि जब मार्केट में क्राइसिस आती है तो पूंजी यहाँ से जाने लगती है और वो दूसरे कंट्रीज में जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों, न सिर्फ हम लोगों ने बल्कि चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा करके रखा हुआ है, ताकि पूंजी के बिखराव को रोका जा सके, पूंजी के उड़ा जो उड़ने की जो समस्या है, भारत से जाने की जो समस्या है, उसको रोका जा सके। लेकिन हम लोग ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एक हद तक अगर हम लोग पूंजीपति में दौर में ही अगर हम लोग रिफॉर्म्स की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि मतलब कांग्रेस के ज़माने से ही, और उसके बाद अरुण जेटली ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया, एक होती है आपकी कॉन्सेप्ट होती है फिजिकल डेफिसिट, कि आपकी जितनी बजट है उसमें कितना आप लोन ले सकते हैं, कितना ज़्यादा आप डेफिसिट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा बजट जो है वो करीब $300 बिलियन का है, तो उसमें कितना हम उसमें डेफिसिट जा सकते हैं, रिवेन्यू सरकार के पास कितना और कितना डेफिसिट में जा सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम 3-4% से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 3-4% से अगर ज़्यादा जाते हैं तो उससे मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। और लेकिन ऐसा है नहीं, तो उससे क्या होता है, अगर आप सिर्फ 3-4% फिजिकल डेफिसिट कर रहे हैं तो आपकी जो वेलफेयर के जो जो मीन्स हैं, जैसे शिक्षा पे जो हम लोग खर्च करते हैं, हम लोग जो स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, उन सब पे भारी कटौती करनी पड़ती है। मनरेगा पर हम लोगों ने भारी कटौती की है, अभी थोड़ा बढ़ा है कोविड के समय, लेकिन उसके पहले भारी कटौती की थी, क्योंकि तो पूरा का पूरा जो है वो यही जोर था कि हम लोग 3-4% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट को आगे ना बढ़ाएं। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो वर्ल्ड बैंक और IMF और बड़े बड़े पूंजीपति ये तय करते हैं,
उनका कहना होता है कि सरकार का काम एजुकेशन और हेल्थ पे थोड़ा सा ही खर्च करना है, बहुत ज्यादा खर्चा करके अगर ज्यादा लोन ले लेगी तो उससे सरकार के ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और भी चौपट हो जाएगी। लेकिन ये बेसिकली इसको बोलते हैं न्यू लिबरल मॉडल, नव उदारवाद नीति। इसके पहले जो नीति थी वो नेहरूवियन समाजवाद की थोड़ी हमारी नीति थी और उसको हम लोग कीन्जियनिज्म की भी नीति बोल सकते हैं। उस नीति में ये नहीं था, उसमें था कि आप लोन लीजिए, जो कीन्स की जो पॉलिसी है उसमें था कि आप लोन लीजिए और वो लोन से आप पूंजी बनाइए ताकि आप वापस में इंटरेस्ट को पे कर सकें, जो उस पर आप लोन के जो इंटरेस्ट है उस पर पे कर सकें। और उसको बोलता था मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपया लोन लेते हैं और उससे अगर आप 2 करोड़ रुपये की पूंजी पैदा करते हैं तो आप ज़्यादा आप इंटरेस्ट दे सकने की क्षमता में और आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन उस पूंजी का एक सिद्धांत ये भी है कि जैसे जैसे पूंजी का बहाव होते जाता है, ग्रोथ होते जाता है, वैसे वैसे पूंजी को लाभ कमाने की क्षमता घटती जाती है। तो लाभ तो क्या होता है कि 1970 तक ये सब नीतियाँ चली, लेकिन 1970 की दशक में काफ़ी लंबी क्राइसिस हुई जिसको ऑयल क्राइसिस भी लोग बोलते हैं और उसको स्टैगफ्लेशन क्राइसिस भी बोलते हैं। मतलब उसमें था कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसमें क्या हो गया था कि जो पूंजी को लाभ कमाने के लिए जितने साधन मौजूद हैं वो लाभ नहीं कमा पाने की स्थिति में थे क्योंकि पूंजी का बढ़ाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए जो मार्क्स का जो सिद्धांत है कि पूंजी में हमेशा क्राइसिस संकट आते रहेगी, तो हम लोगों को एक ऐसी समाज की संरचना की परिकल्पना करनी चाहिए जिसमें हम लोग पूंजी के परे जा सके। किस तरीके से एक ऐसी समाज बनाए, क्योंकि अगर हम पूंजी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो यही सब होते रहेगा, कल को वो प्राइवेटाइजेशन, कल को ये प्राइवेटाइजेशन, कितना फिजिकल डेफिसिट रखें, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, कितना जो है एजुकेशन पे खर्चा करें और हेल्थ पे खर्चा करें, यही तरह पे हम फंसे रहेंगे। तो किस तरीके से हम लोग पूंजी के अलावा जा सकते हैं उस पे सोचना होगा। और देखिए पैसा कुछ नहीं है, पैसा बेसिकली क्या है, अगर आप अपने जो आप हम लोग मनी को देखते हैं तो जो पैसा है वो वो बेसिकली एक सोशल रिलेशन का एक एक तरीके का मैपिंग है। तो सोशल रिलेशन सामाजिक जो जैसे कि पैसा का मतलब क्या है कि किसी ने इतना श्रम किया, किसी ने इतनी पूंजी खरीदी तो उसको इतना नंबर दे दो, ये संख्या का गेन है। लेकिन इसके पीछे जो है वो हमारे और आपके बीच क्या सामाजिक और आर्थिक जो रिलेशंस हैं, संबंध क्या है उस पर होता है। अब जैसे कि ये तो हमारे लॉ हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है कि भाई जो पूंजीपति है वो सिर्फ पैसा लगाएगा, वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब मुनाफा होगा तो सिर्फ उसका होगा। तो ये एक, और इसको हम लोगों ने फिर लॉ का भी रूप दिया। तो ये जो है एक सामाजिक संरचना है और इसके परे जा करके अगर हम लोग सोचेंगे और एक नई समाज की परिकल्पना करेंगे जिसमें जलवायु परिवर्तन के मसले पे किस तरीके से पूरी प्रोडक्शन को चेंज किया जा सके, किसी तरीके से पूरे समाज के व्यवस्था को चेंज किया जा सके, उस पर बात बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन वो तभी होगा जब हम लोग मजदूर किसान का एक जनव्यापी पूरी भारत वर्ष के सतह पर, और ना सिर्फ पूरे भारत वर्ष बल्कि हमारे जो आसपास के जो देश हैं उन सारे देशों में भी, सब साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उन सब में एक लंबी आंदोलन चलाने की जरूरत है, तभी जाकर के इन सारी समस्याओं से हम लोग निजात पा सकते हैं। जी अमित जी, आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। तो हम लोग इस सेशन को थोड़ा क्लोज करते हैं क्योंकि काफी देर हो चुकी है और मनोज जी से कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन उनका कनेक्शन थोड़ा पुअर था तो हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए उनसे, इसके लिए खेद है। और जो भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं आशा है कि आप आगे भी जुड़ते रहेंगे, शुक्रिया, धन्यवाद। और अंकित जी का भी काफी धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को मिलने का मौका दिया, और बॉबी जी का भी धन्यवाद। तो प्रवीण जी आप कहाँ से हैं? प्रवीण जी मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा जी, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके।